मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना कल इंदौर में देखने को मिली, जहां गरीब बुजुर्गों को निगम कर्मचारी द्वारा रिमूवल की गाड़ी में जानवरों की तरह भरने व इंदौर शहर से शिप्रा ले जाकर छोड़ने का मामला सामने आया है। वहीं आज शुक्रवार को इंदौर के मध्य क्षेत्र स्थित मोबाइल के डॉलर मार्केट में एक और मामला सामने आया है, जहां एक मूक बाधित युवक की पिटाई सरेराह पर कर दी गई। वहीं युवक की पिटाई कर रहे लोग उसे पुलिस को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ने युवक को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि युवक को लेकर कोई शिकायत ही सामने नहीं आई। पुलिस की माने युवक कुछ भी बोल पाने और सुनने में असमर्थ था और मोबाइल शॉप पर युवक मोबाइल खरीदने के लिए गया हुआ था। वहीं मूक बाधित युवक डॉलर मार्केट में मोबाइल खरीदने गया था, लेकिन मोबाइल उठाने के बाद दुकानदार को लगा कि वह चोर है, तो आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। थाने ले जाते वक्त एक के बाद एक कई लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बाद में जब दुकानदार को पता चला कि युवक मोबाइल खरीदने आया था, तो लिहाजा उसने पुलिस को शिकायत नहीं की। लेकिन अब सवाल मूक बाधित की पिटाई करने वालों पर उठ रहा है कि पुलिस इस मामले में अब क्या कदम उठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वो थोड़ी बोल रहा तो क्या बताया आपको व्यापारियों ने क्या बताया? आगे बोले चोर था ये, वो मोबाइल खरीदने आया था, मोबाइल का चोर लेने आया था, मोबाइल खरीदने आया था, वो मोबाइल के लिए कल बोल के गया था मैं आज लेने आऊंगा, और वो समझ के उठा के मोबाइल चला तो इन्होंने सोचा कि चोर है, और बाकी उसको उन्होंने छोड़ दिया दुकान। क्या लड़का क्या था, कैसा था वो? वो बोल नहीं पा रहा था, काला सा लड़का है, बाकी उसको दुकानदार ने वापस छोड़ दिया। क्या गुंगा ले रहा है क्या वो? नहीं, वो नहीं मालूम है, वो बोल नहीं रहा था। लोग पीछे आ रहे थे उसके दौड़ के? हाँ, लोग पीछे आ रहे थे। नहीं, मारपीट नहीं होती, चले गए। हमारे साथ में कहीं मारपीट नहीं हुई। आपका नाम? मतलब रमेश पटेल है ना, ठीक है।